श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। सबसे पहले तो मेरी सभी बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गौरी इसी तरह आपका अखंड सुहाग रखें, आपके जीवन में भरपूर खुशियां महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हों। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में हरियाली तीज की पूजन विधि क्या होती है, किस तरह से पूजा विधि होती है और मैं किस प्रकार पूजा करती हूँ, वही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी पूजा भी आज थोड़ी देर से हो पाई थी, इसीलिए वीडियो आप लोग के साथ में थोड़ी देर से शेयर कर रही हूँ, तो क्षमा चाहूंगी। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमने कलश को, जो पहले की तैयारियां थी जैसे चौकी लगाना वो सब मैंने कर लिया था, कलश पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब पूजा शुरू होगी। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करना होता है। हमें नेत्र पे जल लगा के इस तरह से शुद्धिकरण कर लेंगे। 3 बार जल का आचमन करना होता है। हमारे यहां पर व्रत नहीं धारण किया जाता क्योंकि हम करवा चौथ करते हैं, तो यदि आपका व्रत है तो आप जल को सिर पे से लेकर पीछे छोड़ दीजिए। मैंने जल ग्रहण करके हाथ धो लिए थे, हाथ जरूर धोए जल ग्रहण करने के बाद। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है क्योंकि दीपक ही हमारी पूरी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करके दीपक को हम प्रणाम करेंगे कि हे दीपदेव, हमारी पूजा में इसी तरह आप बने रहे, मेरी पूरी पूजा के साक्षी आप बने रहे। तो यहां पर हमने घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब यहां पर साइड में हमने कलश की स्थापना करी है। जिन बहनों के यहां पर कलश की स्थापना नहीं की जाती वो केवल अक्षत के ऊपर दीपक रखकर भी स्थापना कर सकते हैं। जैसे यहां पे कलश पे मैंने नारियल रखा है तो आप एक कटोरी में चावल भर के दीपक की स्थापना भी कर सकते हैं, पर श्री कलश बहुत जरूरी होता है हर पूजा के अंदर। तो हमने अक्षत और जल डाल के गंगा जल डाल लिया है लोटे के अंदर। इसके अंदर सिक्का सुपारी, थोड़े से अक्षत, हल्दी, पुष्प मैंने डाल दिए हैं। आपके पास नहीं हो तो आप सिक्का और पुष्प हल्दी भी डाल सकते हैं, थोड़े से अक्षत डाल सकते हैं। अब हम कलश का पूजन कर लेंगे। कलावा मैंने पहले ही चढ़ा दिया था नारियल को। इसके पश्चात हम हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत से कलश देव का पूजन कर देंगे, वरुण देव का पूजन कर देंगे। पुष्प यहाँ पे मैं अर्पित कर दूंगी क्योंकि सबसे पहले दीप देव के बाद हम वरुण कलश का ही पूजन करते हैं। अब इसके पश्चात हमें अपना पूजन प्रारंभ करना है। देखिए, मैं मेहंदी किसी कारण से नहीं लगा पाई थी, थोड़ा पर्सनल रीजन था इसलिए आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी, परंतु यहाँ पर मैंने हरी चूड़ियाँ धारण कर ली हैं और थोड़ा सा आज किसी रीजन से मैं बहुत कुछ चीज़ें होती है जो हम शेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैंने सिंपल ही आज कपड़े पहने हुए हैं। वरना जो बहनें व्रत वगैरह करती हैं वह हरे रंग के वस्त्र धारण करें, मेहंदी लगाएं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे बहुत शुभ त्यौहार होता है। और यहाँ पर हमने भगवान को स्नान करा दिया है जल से। अब भगवान को पहुंच के हमने इत्र लगा दिया। इत्र के बाद हम वस्त्र रूपी कलावा भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पहले हमने गणेश जी को कलावा चढ़ाया, माता गौरी को चढ़ाएंगे। माता गौरी को मैंने ड्रेस सुबह ही स्नान करवा के पहना दी थी, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार भगवान की ड्रेस नहीं बदलूंगी। देखिए, आप यहाँ पर मूर्ति भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर तस्वीर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी की माँ गौरा, शिवलिंग, गणेश जी, नंदी जी आप बना सकते हैं। हमारे यहाँ मूर्ति पर पूजा की जाती है तो मैं आपको मूर्ति पर ही पूजा करके बता रही हूँ। आपके यहाँ यदि मिट्टी के बनते हो तो आप मिट्टी पर इसी तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता गौरी को बना के शिवलिंग को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मूर्ति पे ही दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा होती है। तो यहाँ पर हमने जो गणेश जी हैं उनको हमने जो जनेऊ थे वो पहना दिए, सभी भगवान को वस्त्र दे दिए हैं, चंदन का, सिंदूर का तिलक कर दिया है माता रानी को, अक्षत चढ़ा दिए हैं। अब जो दूर्वा और जो गुड़हल का पुष्प मैं गणेश जी को चढ़ाऊंगी। माता को दूर्वा नहीं चढ़ती, ध्यान रखिएगा, केवल गुड़हल का पुष्प मैंने चढ़ाया है। इसके बाद सभी भगवानों को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। ये पूरा शिव परिवार मेरे पास है अष्ट धातु का। तो अब हम यहाँ पे भगवान को शमी पत्र चढ़ा रहे हैं और बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं। सूक्ष्म सा, बहुत सरल सा पूजन आपको बता रही हूँ और इसी तरह से वैसे पूजन किया जाता है, बस हमारे यहाँ पे मिट्टी के मैंने नहीं बनाए हैं, तो इसीलिए यदि आपके यहाँ मिट्टी के बनता हो शिव परिवार तो मिट्टी का बना लीजिएगा। अब माता रानी के लिए मैंने हरी चुनरी जो ली थी माता को मैंने उड़ा दी है। इसके पश्चात जो शिव परिवार था उसका पूजन संपूर्ण हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम दीप देव का पूजन भी कर देंगे क्योंकि पहले गणेश जी का ही पूजन होता है। अब हम दीप देव को तिलक कर देंगे, सिंदूर लगा देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। भगवान को हमने कलावा रूपी वस्त्र दे दिया है क्योंकि दीप देव ही हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं, तो दीप देव का पूजन आपको अवश्य रूप से कर देना चाहिए। पुष्प वगैरह भी मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। अब इसके पश्चात आप देख रहे होंगे, पता है मैं जब भी पूजा करती हूँ मेरी बार बार भगवान को प्रणाम करने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो उसे थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं पूजा करती हूँ ना इतने भाव होते हैं ना मन में कि हम भगवान से कितनी ही बातें कर लें, तो बार बार मेरी आदत ना भगवान के सामने हाथ जोड़ने की होती है। अब जो सुबह मैंने पूजन किया था, भगवान की रुद्राक्षी माला मैंने हटा दी है,
अपने जो भी फूल वगैरह थे वो हटा दिए। चार बार जल का आचमन करवाएंगे, पहले चरण धुलवाने चाहिए, पैरों से स्नान कराना चाहिए, उसके बाद शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। तो गणेश कार्तिकेय जी के स्थान पे मैंने चढ़ा दिया जल, उसके बाद हम शिवलिंग पे जल अर्पित कर देंगे। थोड़ा सा दूध पहले मैं चम्मच की सहायता से शिवलिंग पे अर्पित करूंगी, उसके पश्चात हम धीरे से भगवान को स्नान कराएंगे। ठीक है, जब भी आप भगवान का पूजन करें, माता गौरी का संयुक्त पूजन होता है, तो ओम उमा महेश्वराय नमः का जाप करते हुए पूजन करना चाहिए। अब दूध की पतली धार से मैं भगवान का अभिषेक करा रही हूँ, नंदी जी का भी अभिषेक करवा रही हूँ। अगर यहाँ पर आपके मिट्टी के शिवलिंग होंगे ना, तो भी पूजन इसी तरह से होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पूजन करवाएंगे भगवान का। कुछ भी सामग्री जब चढ़ाई जाती है तो जल अवश्य रूप से चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद में चंदन से हम भगवान का, जिसे बोलते हैं गंधोदक स्नान, वो मैं करवा दूंगी। गंधोदक स्नान के बाद में वापस से मैं स्वच्छ जल से भगवान का स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, आपको जो सामग्री उपलब्ध हो जाए आप उससे भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुगंधित जल, जैसे कि हम यहाँ पे इत्र मिला लेंगे, चम्मच में आप देख रहे होंगे मैंने जल में इत्र मिला लिया है, बस उसी तरह मैं भगवान का अभिषेक कर दूंगी। बहुत सिंपल अभिषेक कर रही हूँ मैं, कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शहरों में रहने वाली बहनों को कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे हमने गंगा जल थोड़ा सा चढ़ा दिया। गंगा जल आखिरी स्नान होता है, जब आप पूजा कर लेते हैं ना, जब आपका जो आखिरी स्नान होता है उसमें गंगा जल चढ़ाया जाता है। अब हम भगवान को अच्छे से पोंछ के उनका अंग प्राशन कर देंगे, मतलब कि भगवान को पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम भगवान को बेलपत्र का आसन देकर विराजमान कर देंगे। बेलपत्र यदि आपको नहीं उपलब्ध होते ना, तो शिव मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र भी आप भगवान की आज्ञा से अपने घर में ला सकते हो। सावन में तो देखिए बेलपत्र आसानी से मिल जाते हैं। ये जो जल है इसे हम अपने घर में छिड़क देंगे, और इस जल को तुलसी के क्यारे में, भूल से नहीं डालना है, आप किसी भी अन्य गमलों में डाल सकते हैं, पीपल और तुलसी के क्यारे में हमें नहीं डालना चाहिए। बेलपत्र का वृक्ष हो तो आप वहाँ पे भी इस जल को डाल सकते हैं। घर में छिड़काव जरूर करिएगा, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब हम शिवलिंग की इत्र से मालिश कर देंगे। इत्र से मालिश करने के पश्चात में भगवान को हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। अब ये जो चंदन है, यहाँ पर मैं भगवान को त्रिपुंड लगा रही हूँ। आप चाहें तो ओम भी लिख सकते हैं, भगवान का सुंदर सा श्रृंगार भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल सिंपल तरीके से भगवान को चंदन की सहायता से त्रिपुंड लगा रही हूँ, और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं जिससे लगा रही हूँ, बेलपत्र की डंडी है। तो बेलपत्र का जो पिछला भाग होता है डंठल का, उसे हमें हमेशा तोड़ लेना चाहिए। गणेश जी, कार्तिकेय जी के स्थान पर चंदन लगाएंगे, माता के हस्त कमलों पर भी चंदन लगाना है हमें। इसके पश्चात थोड़ा सा सिंदूर लेकर, जो अशोक सुंदरी जी का ये जो मोटी वाली लाइन देख रहे हैं वो स्थान है, वहाँ लगा दिया मैंने, माता के हस्त कमलों पे लगा दिया। थोड़ा सा जो मेरे हाथ में सिंदूर बचा वो मैंने माता के मस्तक पे लगाने के बाद अपनी मांग में उसे भर लिया है। कभी भी ध्यान रखिएगा, मांग से उठा के नहीं लगाना चाहिए, जो उंगली में सिंदूर बच जाता है वही मांग में लगाना चाहिए। अब भगवान को हम जो अबीर गुलाल है वो भगवान को अर्पित कर देंगे। अबीर गुलाल हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। शिवलिंगी, नागकेशर और भांग, ये तीनों चीज़ें मैं स्पेशली घर में लाकर रखती हूँ, क्योंकि सावन में मैं ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाती हूँ, भगवान की प्रिय चीज़ें होती है। अब जो अक्षत है ना, अक्षत का थोड़ी विशेष, जब आप पूजा करते हैं, रोजाना तो मैं नहीं बोलती, विशेष पूजा में अक्षत जब आप चढ़ाएं तो पानी से धोकर आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने चाहिए। कभी भी सूखे अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। रोजाना में हमें नहीं ध्यान रहता, पर विशेष पूजा में आप धोकर अक्षत चढ़ाएं। इसके पश्चात नंदी जी का भी हम पूजन कर देंगे। नंदी जी को तिलक कर दिया है मैंने, उन्हें भी पुष्प वगैरह हम अर्पित करेंगे, पूजन करेंगे उनका। इसके पश्चात शिवलिंग के ऊपर मैंने चढ़ाए हैं शमी पत्र। शमी पत्र चढ़ाने के बाद जो भगवान की रुद्राक्ष की माला, ये मैंने हाथ से बनाई थी, आप भी 11, 7, 21 जैसे भी रुद्राक्ष आप माला बना सकते हैं। इसके बाद में अब हम जनेऊ भगवान को अर्पित कर देंगे। यदि पति पत्नी साथ में पूजा कर रहे हैं तो दोनों हाथ लगा के जनेऊ अर्पित करें, जनेऊ पर चंदन लगाना है। इसके पश्चात हम जो बेलपत्र हैं वह 7, 11, 21 की संख्या में चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाते समय अंगूठे और बीच की दो उंगलियों से बेलपत्र चढ़ाया जाता है, अपनी सेकंड फिंगर और लास्ट वाली फिंगर का आपको यूज़ नहीं करना होता है। तो 7, 11, 21 की संख्या में आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हो। कुछ लोग 108 भी करते हैं, सावन में 108 बेलपत्र अर्पित करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यह व्रत सभी सुहागन महिलाएं करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर के लिए इस व्रत को करती हैं। आखिरी के बेलपत्र में मैंने सारी सामग्री रख ली है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित कर दें। इसके पश्चात भगवान का मैं कर रही हूँ यहाँ पे फूलों से श्रृंगार। तो जो भी सुहागन महिलाएं होती है वे आज के दिन निर्जला व्रत धारण करती हैं। हमारे यहाँ तो देखिए व्रत करने का नियम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ किया जाता है। सिर्फ पूजा अर्चना में हमेशा करती हूँ, विधि विधान से हमारे घर में पूजा जरूर की जाती है। किसी भी व्रत त्यौहार में पूजा हम लोग हमेशा करते हैं। अब ये जो सुहाग की सामग्री है, यहाँ पे हरे रंग का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। देखिए मंगलसूत्र आप चाहें
तो माता रानी को छुआ के साइड में रख दें, किसी को दे सकते हैं, परंतु यहाँ पे मैंने माता की मूर्ति पर ही पहना दिया है। माता रानी को ही मैंने सिंदूर और जो मंगलसूत्र में लाई थी वो अर्पित कर दूंगी। इसके बाद जो पूरी सुहाग की सामग्री है इसे आप माता रानी को अर्पित करने के बाद खुद के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं या किसी सुहागिन महिला को भी दान दे सकते हैं, ब्राह्मणी जो सुहागन हो उनको भी दे सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पे भोग अर्पित कर देंगे। भोग अर्पित करने के बाद देखिए आपके घर में यदि कुछ भोग आज के दिन बना है आप वो भी चढ़ा सकते हैं। मुझे मिष्ठान मिल पाया, मैंने मिष्ठान चढ़ाया है। घेवर का भी बहुत महत्व होता है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसे यहाँ पे ड्राई फ्रूट जल वगैरह मैंने रख दिया है, 3 बार जल घुमा देंगे तभी भोग स्वीकार करते हैं भगवान। और शिव जी को भोग में बिलपत्र जरूर रखा जाता है। मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी बिलपत्र किस तरह रखते हैं, तो उल्टा बिलपत्र जैसे हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं वैसे ही रखना होता है। ठीक है, हम भोग अर्पित कर देंगे। यहाँ पे आज के दिन आपके घर में जो भी भोग बने बिना प्याज लहसुन का वो आप भगवान के लिए रखें। घेवर ला सके तो घेवर रखें, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के अनुसार देखिए भोग अर्पित किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो खैर घर की मिठाई चढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पर मैंने मिठाई का भोग लगा दिया। हम भगवान को दिखा देंगे धूप दीप। धूप दीप दिखाने के बाद हम यहाँ पर करेंगे भगवान की आरती। आप माता गौरी की आरती कर सकते हैं, आप जो गणेश जी की आरती कर सकते हैं, शिव जी की आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं गणेश जी की आरती करूँगी, उसके बाद शिव जी की सूक्ष्म आरती एक छोटी आरती है वो करती हूँ मैं हमेशा, तो वो आरती करूँगी। माँ गौरा की आरती करने के पश्चात कपूर से हम आरती कर देंगे, कपूर गौरम करते हुए 3 बार जल घुमा देंगे। इसके पश्चात हम भगवान को दे देंगे आरती। आरती देने के बाद अब जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है, पूजा में कोई भी यदि त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कुछ कम ज़्यादा हो गया हो, भगवान देखिए हम इंसान हैं गलतियाँ हो ही जाती है। आरती लेने के बाद यहाँ पर मैं हाथ धो रही हूँ, हाथ ज़रूर धोइएगा, क्योंकि जब हम आरती लेते हैं तब हमारे हाथ निर्माल्य यानी गंदे हो जाते हैं। तो अब भगवान को आखिरी में मैं यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी पूजा में यदि कोई गलती हो जाए तो भगवान उसे आप क्षमा करिएगा। बस दक्षिणा समर्पित करने के बाद भगवान का आपको आशीर्वाद ले लेना है, माता का आशीर्वाद ले लेना है। बहुत ही सरल विधि है पूजा की, कुछ भी बहुत बड़ा चढ़ा के मैं कभी नहीं बताती, जो मैं करती हूँ वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। ये सिंदूर की डब्बी से आखिरी में सुहाग लिया जाता है, यदि आपकी शादी का सिंदूरा हो तो वो रख लीजिए, नहीं तो सिंदूर की डब्बी को माता के पास रख के 7 बार माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, और आखिरी बार में जो आपकी उंगली में सिंदूर बचता है उसे अपनी मांग में भरा जाता है। माता की मांग से सिंदूर नहीं उठाना होता, जो बचा हुआ सिंदूर है उसे ही अपनी मांग में आपको भरना होता है, उठाना नहीं होता। तो इसी तरह से माता से सिंदूर लिया जाता है। तो बहुत साधारण सूक्ष्म पूजा आप लोगों के साथ में शेयर करी है। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर आती रहती हूँ। और जिन बहनों ने हरियाली तीज का व्रत रखा है आज के दिन उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह माता रानी आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति दें।